सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इन 50 क्वेश्चन में से यदि आपने 25 क्वेश्चनों के राइट आंसर दे दिए तो उसका मतलब आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है। इस सीरीज को आप कंप्लीट करने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, स्टेटिक जीके जीएस का क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन सीरीज में से आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएंगे। हमारा सेट नंबर 58 है, 57 सेट में कवर करा चुका हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के में किया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्तों का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? यह आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्टर 1853 के तहत, 1853 के। अंतर देखिएगा, पहले अंतर समझ लो, क्वेश्चन सेम लग रहा होगा। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है तब आपको राइट आंसर लगाना है चार्टर एक्ट 1833, योग्यता के आधार पर नियुक्ति। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं, पेपर के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? तब आपको राइट आंसर लगाने हैं ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853। सिर्फ 25 क्वेश्चन के राइट आंसर यदि आपने दे दिए तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत बेहतर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर सात का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1774 में। क्वेश्चन नंबर आठ, किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर आठ का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया? क्वेश्चन नंबर दस का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया या समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर 12, पृथक निर्वाचन मंडल एक एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलत होते हैं 90% स्टूडेंट के, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14, किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन
नेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 21, किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट अट्ठारह सौ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट, बच्चों सी नहीं डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 22, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 25, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, ली आयोग का गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1923-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 28, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 28 का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्विविध शासन की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 30, पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर को। क्वेश्चन नंबर 31, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 31, नेपाल नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, 3 बीघा कॉरिडोर किस किन दो देशों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 34, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 37, एंजाइम का निर्माण किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर, 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 38, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। यदि छोटा पूछे तो आपका बुध। यदि शुद्र ग्रह, किन किन दो ग्रह के मध्य पूछा जाता है? मंगल और बृहस्पति। आंतरिक ग्रह, चार आंतरिक ग्रह होते हैं, चार बाह्य ग्रह होते हैं, बुध मंगल पृथ्वी, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्लियर है जी? सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुआ? 39 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एंटार्क्टिका रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां होती है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24। क्वेश्चन नंबर 41, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ए इब्राहिम लोदी की। बाबर ने मुगल काल की स्थापना 1526 में की थी। बाबर ने चार युद्ध लड़े थे, पान खा चल घर। पास पानीपत का 1526, खा दखाने में 1527, चल की सुंदरी का 1528, घर से घाघरा 1529।
दिल्ली सल्तनत में पांच राजवंश थे, जी के टी का सैयद लोधी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1208 में, ठीक है जी। और लोधी वंश जो अंतिम शासक था 1526 में, लोधी वंश में तीन शासक हुए, इब्राहिम अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर मुगल काल की स्थापना की थी। मुगल काल के जो राजवंश है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कैसे करोगे? बाहुबली अकबर की बहुत ही जागीर, शाहजहां ने औरंगजेब को बहुत सी जीत। क्लियर है इस लाइन से, आप इससे याद रख सकते हो। यदि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सेट में बच्चों आपके 41 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ मैं, 9 क्वेश्चन इसमें कम है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा दूंगा। थैंक यू।